Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with 8th chapter, that is Company Meeting Part 2. Company Meeting Part 1 के अंदर Company Meeting के related कुछ concept जो थे वो हम लोग ने detail में पढ़े. अभी Company Meeting Part 2 के अंदर हम लोग को अलग अलग type के meetings के बारे में पढ़ना है. तो Company Meeting को broadly 3 parts में divide किया जाता है. एक होता है shareholders meeting, दूसरा होता है directors meeting और third है creators meeting. फिर वापस से शेयर होल्डर्स मीटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक होता है जनरल मीटिंग और दूसरा होता है क्लास मीटिंग. और जनरल मीटिंग को फिर डिवाइड किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. यहाँ पे डायरेक्टर्स की मीटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग. तो ये अलग अलग टाइप के मीटिंग्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं. नाउ एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? तो ये मीटिंग जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है और ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में एक बार होती है. अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस करते हैं और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. और इनका कैपिटल जो होता है वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है. इसके लिए ये इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और उनकी ही ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है. और दूसरे टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोला जाता है. वो भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल होता है वो कंपनी कुछ सालों के बाद में वापस से रीपे करती है. तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट ईयर हम लोग एसपी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल तो आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है और दूसरा है ये मीटिंग फाइनेंशियल ईयर में एक बार होता है. ना फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है. सो अप्रैल टू मार्च ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है. तो यहाँ पे ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कन्वीन करना पड़ता है. अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. नाउ एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ये कंपनी ने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोग्रेस किया उसको रिव्यू करने के लिए, रिव्यू करना मतलब कि चेक करने के लिए कन्वीन की जाती है. और उसी के साथ कंपनी में अगर कुछ भी इश्यू है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है. अभी यहाँ पे देखो क्या क्या मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होता है. तो सबसे पहले कंपनी का जो एनुअल अकाउंट होता है, मतलब 31 मार्च खत्म होने के बाद में कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाता है और कंपनी का प्रॉफिट लॉस ये सब कैलकुलेट किया जाता है और फाइनल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है. तो वो एनुअल अकाउंट को यहाँ पे शेयर होल्डर्स अडॉप्ट करते हैं. अडॉप्ट करना मतलब के पास करते हैं. फिर बाद में डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है, मतलब डायरेक्टर जो होते हैं वो अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है या कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे. तो ये जो डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है उसको भी शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अडॉप्ट करते हैं या पास करते हैं. फिर ऑडिटर्स का भी रिपोर्ट होता है. ना ऑडिटर्स कौन होते हैं? तो कंपनी के अंदर जो भी अकाउंट को चेक करते हैं उनको ऑडिटर बोला जाता है. ना ऑडिटर अकाउंट को क्यों चेक करते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या हो सकता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पास से अकाउंट में कुछ मिस्टेक हो सकती है या कभी कभी पर्पजली अकाउंटेंट अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं. तो उसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है. ऑडिटर जो होते हैं कंपनी का पूरा अकाउंट चेक करते हैं और फिर बाद में वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि कंपनी का अकाउंट जो है वो फेयर है. और अगर सपोज उनको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है तो वो उस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं कि कंपनी के अकाउंट में कुछ ना कुछ अनफेयर चल रहा है, तो वैसा रिपोर्ट बना के वो शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं. तो ऑडिटर के रिपोर्ट को भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स अडॉप्ट या पास करते हैं. तो ये अलग अलग रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पास किया जाता है. दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिविडेंड को डिक्लेयर करना. नाउ डिविडेंड क्या होता है? तो शेयर होल्डर जब कंपनी को कैपिटल देते हैं तो उसके बदले में कंपनी उनको हर साल डिविडेंड देती है. डिविडेंड एक तरीके का ब्याज होता है. तो कितना डिविडेंड देना है वो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है. उसके बाद में अगर सपोज कोई डायरेक्टर रिटायर्ड हो रहा है तो उसके जगह पे नए डायरेक्टर को इलेक्ट करना या नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना. जैसे मैंने बताया था कि हर साल 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो रोटेशन से रिटायर्ड होते हैं. ओके, मतलब जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे तो
हर साल 1/3 डायरेक्टर्स उसमें से रिटायर्ड होंगे और जितने डायरेक्टर्स रिटायर्ड हो रहे हैं उतने डायरेक्टर्स को वापस से इलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। उसी के साथ साथ ऑडिटर्स जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी एक साल के लिए होती है। तो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो पुराने ऑडिटर थे उनको रिटायर्ड किया जाता है और उनके जगह पे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है या फिर सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो उसके लिए भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और डिसीजन लिया जाता है कि उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है या नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है और वो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कितना होगा, मतलब उसको हम लोग कितना सैलरी पे करेंगे। और लास्ट में है कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी का सेल्स कितना हुआ है, एक्सपांशन कितना हुआ है। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। तो ये मैटर्स आप लोगों को याद रखना है कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों के ऊपर मेन डिस्कशन होता है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स है, इसके ऊपर हर एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है। उसके बाद में हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग के रिलेटेड कुछ लीगल प्रोविजंस देखते हैं, मतलब कुछ कानूनी रूल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए। तो जो कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गई, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब जैसे ही 31 मार्च खत्म हो गया उसके बाद में 9 महीने के अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है कंपनी की हो जानी चाहिए। तो 31 मार्च खत्म होने के बाद में 9 महीने कब होते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो दिसंबर जो है उसके पहले यहाँ पे कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग जो है हो जाना चाहिए। तो ये एक लीगल प्रोविजन आपको याद रखना है। दूसरा है सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में जितने भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होते हैं उसको सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और बाकी के जो भी है वो, उनको हम लोग सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। ये सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब होना चाहिए, तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में, मतलब 31 मार्च खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर वो होना चाहिए। मतलब सितंबर एंड के पहले वो मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पापा ने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स के अंदर, या आप लोग जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड होगी, वहां पर भी अप्रैल से सितंबर के बीच में एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है बुलाई जाती है। तो ये एक लीगल प्रोविजन है कि हर एक कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और तीसरी चीज यहाँ पे है कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना इंटरवल या कितना गैप होना चाहिए। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर सपोज कोई भी कंपनी एजीएम को टाइम पे कंडक्ट नहीं कर सकती है, मतलब सपोज ये 6 महीने दिए है, तो ये 6 महीने के अंदर कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकती है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज कंपनी जो थी उसके वर्कर्स पूरी तरीके से स्ट्राइक पे चले गए थे, कंपनी का पूरा कामकाज जो है वो स्टॉप हो चुका था, या दूसरा कोई रीजन है जिसके वजह से कंपनी 6 महीने के अंदर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो उस केस में कंपनी को रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और जो भी रीजन है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके बाद में रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम है और उनको 6 महीने में अगर ये एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए वो लोग रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रार जो उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स है उसके लिए ये एक्सटेंशन जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए, फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन होता नहीं है। और लास्ट वाला है, वन पर्सन कंपनी जो होती है उसके लिए एजीएम का कोई ऐसे प्रोविजंस होता नहीं है, वो सारे प्रोविजन से वो एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्शन का मतलब क्या होता है, ये सारे प्रोविजन में से या ये सब रूल में से उनको छूट दे दी है। तो इस तरीके से फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर होना चाहिए। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो गैप है या इंटरवल है वो 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर कंपनी को एजीएम कंडक्ट करने के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो रजिस्ट्रार जो है उनको 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है। तो ये सारे कंडीशंस आपको याद रखने हैं बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ दूसरा लीगल प्रोविजन है अथॉरिटी टू कन्वीन द मीटिंग। कन्वीन का मतलब क्या होता है? मीटिंग को बुलाना। तो मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं प्रॉपर अथॉरिटी होते हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सकते हैं। थर्ड प्रोविजन है नोटिस। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है वो सेक्रेटरी ने हर एक मेंबर को 21 डेज एडवांस में भेजना जरूरी होता है। और ये नोटिस जो होता है वो कंपनी जो भी मेंबर्स है उनके रजिस्टर एड्रेस पे पोस्ट से या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये नोटिस भेजी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या? ईमेल के थ्रू वगैरह ये नोटिस जो होती है वो मेंबर्स को भेज दी जा सकती है। तो ये नोटिस का पीरियड जो होता है ये आप लोगों को याद रखना है कि 21 डेज एडवांस में एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जो है हर एक मेंबर को भेजना जरूरी होता है। उसके बाद में है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। मतलब यहाँ पे एजीएम कौन से दिन पे और कौन से जगह पे होगा उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है बिजनेस आवर्स में ही होना चाहिए, मतलब मॉर्निंग 9 से लेके 6 के बीच में कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो हो सकती है, पर वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन मीटिंग होगा वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, जैसे कि संडे हो या दूसरी कोई भी नेशनल हॉलीडे हो तो उसमें ये मीटिंग नहीं हो सकता है। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा या फिर दूसरा कोई प्लेस होगा जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के आजू बाजू के सिटी या आजू बाजू के विलेज में हो। तो मीटिंग कौन से टाइम पे होगी और कौन से जगह पे होगी उसके ये रूल्स है। तो पहले मैंने आपको टाइम के बारे में बताया कि मीटिंग जो होता है वो मॉर्निंग 9 to 6 के बीच में और नेशनल हॉलीडे के अलावा दूसरे दिनों पे होना चाहिए, और मीटिंग जो होती है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर या फिर अगर सपोज कंपनी को दूसरी जगह पे वो मीटिंग कंडक्ट करना है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी के अंदर या किसी विलेज के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में है कोरम। नाउ कोरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कोरम मतलब क्या? मीटिंग के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन है एनुअल जनरल मीटिंग का। अभी कोरम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से पब्लिक कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए। तो इनका कोरम जो होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स 1000 से कम है तो कोरम जो होगा एनुअल जनरल मीटिंग का वो होगा 5 मेंबर्स। अगर सपोज कंपनी के शेयर होल्डर 1000 से 5000 के बीच में है तो मीटिंग का कोरम जो होगा 15 मेंबर्स होगा। और अगर कंपनी के शेयर होल्डर जो है 5000 से ज्यादा है तो मीटिंग का कोरम जो 30 मेंबर्स होगा। तो ये पब्लिक कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का कोरम मैंने आप लोगों को बताया। अगर सपोज प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने जरूरी है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। उसके बाद में है एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग को पोस्टपोन करना। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज कंपनी में कोरम एब्सेंट है, मतलब अभी मैंने आप लोगों को मिनिमम मेंबर्स बताए, अगर उस कैटेगरी के कंपनी के अंदर उतने मेंबर्स मीटिंग के लिए प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उस मीटिंग को पोस्टपोन करती है। और ये मीटिंग कब पोस्टपोन होती है? तो नेक्स्ट वीक में सेम डे पे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे होती है। तो अगर सपोज वो मीटिंग थर्सडे को होने वाली है पर कोरम नहीं आ पाया तो वो मीटिंग जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को होगी, और नेक्स्ट थर्सडे को भी वो सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे होगी। तो ये एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कोरम एब्सेंट रहता है तो मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ता है, और वो एडजॉर्न जो होता है नेक्स्ट वीक में सेम डे पे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे होता है। उसके बाद में है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या? कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो जो भी मैंने लीगल प्रोविजंस बताया उसके हिसाब से नहीं हुआ, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 6 महीने हुए लेकिन अभी तक कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट नहीं की, तो उस केस में कंपनी को क्या पनिशमेंट लग सकता है? तो कंपनी और कंपनी के जो ऑफिसर्स है उनको फाइन पे करना पड़ सकता है, और ये फाइन जो होता है वो 1 लाख रुपीज तक हो सकता है। और अगर सपोज उसके बावजूद भी कंपनी ने वो जो डिफॉल्ट है वो कंटिन्यू किया, मतलब कि अगर सपोज 6 महीने के अंदर कंपनी ने मीटिंग जो कंडक्ट करनी थी वो कंडक्ट नहीं की तो कंपनी को यहाँ पे 1 लाख रुपीज का फाइन पे करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर भी कंपनी ने अगर मीटिंग कंडक्ट नहीं की तो कंपनी को यहाँ पे हर दिन 5000 रुपीज जो है उसका फाइन पे करना पड़ेगा।
तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके सारे जो प्रोविजन है वो प्रॉपरली फॉलो करने जरूरी है, जैसे कि टाइम पीरियड जो होता है वो फॉलो करना जरूरी होता है, नोटिस भेजने का जो कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ता है, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें से कोई भी अगर कंडीशन जो है वो कंपनी ने फुलफिल नहीं की तो कंपनी को यहाँ पे इस तरीके से फाइन किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।